हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्हर जंक्शन। आप लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल पत्र के फायदे के बारे में। बेल पत्र क्या क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आप लोग अचंभित हो जाइएगा, जिस बेल पत्र को हम लोग शिव जी पे चढ़ाते हैं, आज तक उसकी महत्व को हम लोगों ने नहीं जाना है, तो उसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बेल के पत्ते में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधीय गुण है, जिसे इस वीडियो को आप देखने के बाद कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। उसके महत्व को जानने के बाद आप उसे ऐसे ही बर्बाद करके मंदिर में नहीं आएंगे। कभी आप सोचते हैं भगवान शिव जी का पूजा बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होता है, आराधना पूरा नहीं होता है। बेलपत्र का हम लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जब भी सावन का महीना स्टार्ट होता है तो हम लोग बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चढ़ावा है। और कुछ हो ना हो, मेवा मिष्ठान हो ना हो, बेल का पत्ता भगवान शिव जी पे जरूर चढ़ाना है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो शिव जी के आराधना को पूर्ण करने के लिए जिस चढ़ावे का इस्तेमाल किया, वो ऐसे ही नहीं किए हैं। या आप उन सभी बुद्धिजीवियों को जवाब दे सकते हैं, जिस संस्कृति में, जिस पूजा पद्धति में इतने औषधीय गुणों, वनस्पतियों का उपयोग हुआ हो, उस प्राचीन सभ्यता, उस प्राचीन संस्कृति की क्या महत्व है, वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। लोग उसको बहुत सारे अंधविश्वास से जोड़ करके देखते हैं। अब मैं इसका, देखिए, पूरे दुनिया में जितने भी हमारे संस्कृति में जो चीजें हैं उस पर रिसर्च हो रहा है, और हम लोग ही उसको, मूर्ख लोग, पीछे छोड़ दिए हैं। इस चीज का पेटेंट उन लोग ले लेंगे, उन लोग उस पर दवाई बना लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, और बन रहा है। तुलसी पे रिसर्च करके उस पर दवाई बन गया। तुलसी की तुलसी पेड़ की माता की तरह हम लोग पूजते हैं। केला को हम लोग पूजते हैं, आंवला को हम लोग पूजते हैं। और आज सोचिए, हर वो पेड़ और हर वो वनस्पति की दवा बन रही है। बड़े बड़े एमएनसी कंपनी उस पर दवा बना रहे हैं। और उसको कभी भी आप सोचिए कि अगर वो, अगर बेल का पत्ता हो, मैं अभी अपने मुख में भी बेल का पत्ता चबा रहा हूँ, अगर ये बेल का पत्ता आप डायरेक्ट अगर खाते हो, तो जो दवा में वो कारगर काम करेगा, कभी हो सकता है इससे ज्यादा वो काम करेगा। ये प्योर नेचुरल फॉर्म हो गया, रॉ फॉर्म हो गया। और दवा में पता नहीं उन लोग क्या मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, ये नहीं जान सकते। पत्ता लिए, चबा लिए। और हम लोग की तो परंपरा रही, हम लोग की संस्कृति रही है। गांव में आजकल कितने सारे पेड़ पत्ती पर उसके बहुत अनगिनत फायदे थे। शीशम का पेड़ का लोग ऐसे ही चबाते रहता था, बेल का पत्ता लोग चबा लिया, खा लिया, चने के साग को लोग ऐसे ही खा लिए, खेसारी के साग लोग खा लिए। तो बेल के पत्ते पे पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है, उस पे शोध हो रहा है। और शोध में ही पाया गया कि बेल के अनगिनत फायदे हैं। हमारे राजीव दीक्षित भाई साहब अगर आज जिंदा होते तो बोलते थे कि जितने बेल पत्र की पत्तियां हम लोग शिव जी पे चढ़ावा करते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं, तो सभी लोग अगर उपयोग कर ले तो कितने सभी लोग ब्लड प्रेशर से मुक्त हो सकते हैं, डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक खून को साफ करता है। हमारे बॉडी जो रहता, शरीर है, उसके गर्मी को शांत करता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ही बहुत ही कारगर है। बेल का पत्ता डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत लाभदायक है। हृदय रोग से जो पीड़ित हैं,
हार्ट स्ट्रोक से जो पीड़ित हैं, हृदय रोग वालों के लिए भी ये बेल का पत्ता बहुत ही कारगर है। स्किन के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, अगर आपके पेट में कब्ज होता है, गैस्ट्रिक होता है, तो बेल का पत्ता बहुत ही कारगर है, बहुत ही असरदार है। एपेटाइट का आपको इशू है, पाचन क्रिया में कहीं कोई दिक्कत आती है, गट का इशू है, तो बेल का पत्ता बहुत ही लाभदायक है। अब कैसे इसको उपयोग करें, या तो इसको आप पत्ते को चबा सकते हैं। हम लोग रॉ फॉर्म में हम लोग जेजे का जूस भी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें कि हर पत्तेदार जितने भी हो गए, बेल के पत्ते का हो गया, केला का थंब का हो गया, उसके पेड़ पौधे का, जिसमें कि केमिकल का बहुत कम मात्रा हो, मात्रा नहीं हो, कम मात्रा हो, तो इस तरह से आप उसको पीस दे, उसमें कच्ची हल्दी मिला दे, अजवाइन मिला दे, काला नमक मिला दे, या फिर शहद मिला करके, जैसा आपको टेस्ट हो उस तरह से आप उसको उपयोग कर सकते हैं। और अपने जीवन में सिर्फ इस पत्ती से इतना बड़ा रिवोल्यूशन ला सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को इससे बचाया जा सकता है, एंटी कैंसर से। तो हमारी परंपरा, संस्कृति, प्राचीन परंपरा में जो भी चीजें उपयोग में लाई जाती है वो ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य को समझें, चीजों को समझें, कोई भी अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, साइंटिफिक कारण है, लॉजिक है। इसे सिलबट्टे पे अगर आप पीस लेते हो इसका, या फिर आप मिक्सी में डाल करके आप इसका जूस बना ले, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो आप, हम लोग रॉ फॉर्म में इसको जूस तैयार करवाते हैं, आप इसका जूस के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, विदाउट केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव, इस तरह का जूसेस, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके, रॉ फॉर्म में फ़ायदा पहुंच सके। और अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस मुहिम से ज़्यादा लोगों तक जोड़िएगा। कैसे, हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग का जो मकसद है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक रीच करने में, पहुँचाने में हम लोग का मदद करें। इस चलते हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन बता सकें, अपने संस्कृति के बारे में प्रमोट कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।